तो हे गाइस, वेलकम टू माय स्लॉग। गाइस, आज का मेरा वीडियो है दुबई का। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मतलब मैं इसके पहले वीडियो जो अपलोड किया था वो सुबह का था, अभी ये शाम का वीडियो है। गाइस, आपको मैं ये वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा रोड पे लाइट लगाया और कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है मतलब शाम में। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अरब कंट्री में जो मस्जिदें आपको देखने को मिलेगी ना गाइस, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद, मतलब यहाँ पे मतलब अरब शहर में मतलब कंट्री में दूसरे कंट्री में इतनी खूबसूरत मतलब मस्जिद बनी है, तो अच्छा लगता है मतलब देखने में। और उसमें जो नमाज पढ़ेगा उसका मतलब कितना मज़ा आएगा उसको आप अंदाजा लगाइए। और बाकी गाइस, यहाँ पे देखिए ब्रिज है और शाम का वक्त, धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा है। गाइस देखिए, यहाँ पे सारी जगह मतलब चारी तरफ आपको लाइट देखने को मिलेगा, मतलब ये रोड के किनारे इतना ज़्यादा लाइट लगा है। और बाकी जो मतलब शहर है, सिटी है छोटा मोटा, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट लगा हुआ है। गाइस यहाँ पे देखिए, अब हमारे एक इंडिया में ले लीजिए और हमारे एक दुबई में ले लीजिए, मतलब गाइस दुबई में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वोट लगा है और हमारे इंडिया में भी लाइट है। ऐसा नहीं हमारे इंडिया में लाइट नहीं है, मगर गाइस हमारे इंडिया में जो है ना ट्रैफिक अपने को मतलब देखने को ज़्यादा मिलता है। अभी तो मैं दूसरे कंट्री में गया नहीं, मेरा दोस्त बता रहा था कि मतलब इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बाकी अदर कंट्री में नहीं। गाइस वो बता रहा था कि मतलब बाकी अदर कंट्री वाले वहाँ पे फॉलो करते हैं मतलब नियम का, जो नियम रहता है वही नियम फॉलो करते हैं। गाइस यहाँ पे अगर लिखा रहेगा दूसरे कंट्री में कि मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, तो गाइस उसके ऊपर कोई नहीं चलता है, वो बता रहा था मेरा दोस्त। तो और अपने इंडिया में भागती है गाड़ी फटाफट, मतलब उनको को इतना जल्दी रहता है कि सामने वाला नज़र नहीं आता। और गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अदर कंट्री में एक्सीडेंट नहीं होता है, अदर कंट्री में भी गाइस एक्सीडेंट होता है, मगर हमारे इंडिया में एक चीज़ ये अच्छा लगता है। गाइस यहाँ पे देखिए, गाइस पूरा गाड़ी पार्क किया गया है, मतलब देखिए कितनी सारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है। और बाकी गाइस बता देते हैं हम कि अदर कंट्री में अगर मतलब एक्सीडेंट होता है रोड के किनारे, कोई हादसा होता है, अगर आप जाओगे मतलब वहाँ पे मदद करोगे, कोई को उठा दोगे, इधर उधर कर दोगे, तो गाइस आप फंस जाओगे, मतलब आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा गवाही देने के लिए। तो इसके लिए वहाँ पे कोई छूता नहीं है, गाइस मर जाएगा आदमी तड़प के, मगर कोई छूता नहीं है। एक तरफ से अच्छा भी नियम है, एक तरफ से ख़राब भी नियम है। मेरे को तो भाई ये थोड़ा अटपट लग रहा है, मतलब ये नियम जो मतलब बना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे आप जा नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उसको उठा नहीं सकते। बाकी गाइस मैं आपको बता दूँ, यही हमारे इंडिया में कोई अगर पी के गिर जाता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा, तो गाइस बहुत सारे लोग आके उसको उठाते हैं, साइड में रखते हैं, ले जाके पूछते हैं हाल चाल, बाकी पानी वानी पिलाते हैं, कुछ भी मतलब उसको साइड में ले जाके उसको मतलब ये कम्फर्टेबल फील कराते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। बाकी गाइस ये दूसरी कंट्री में ऐसा भी होता है, गाइस दूसरी कंट्री में जो लोग जाते हैं तो वही कंट्री के नहीं रहते हैं, इसके लिए गाइस फंस जाते हैं। और कितने लोग होते हैं ना गाइस वहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब तेरे वजह से मैं गिरा हूँ, तू फंसा दे, तो गाइस यही डर रहता है कि कोई मेरे को फंसा ना दे। बाकी गाइस कोई डर नहीं है, हमारे इंडिया में इंडियन जो रहते हैं तो उनको एक्सीडेंट होता है कुछ भी, तो पब्लिक जाके उनको बचाती है, इधर उधर करती है, ले जाती है, मतलब टाइम से अस्पताल पहुँच जाता है, तो उसकी जान बच जाती है। बाकी गाइस ये अदर कंट्री में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो तड़प तड़प के मर जाएंगे आप, मगर जब तक पुलिस नहीं आएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आपको कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, ऐसा मेरा दोस्त बता रहा था मेरे को। मगर गाइस ऐसा नहीं है मतलब कि अदर कंट्री की पुलिस ऐसी है वैसी है, गाइस वो भी अच्छे हैं, वो भी अपने नियम से मतलब फॉलो करते हैं। उनका नियम जो है कि मतलब कोई दूसरा आदमी ना छूए। गाइस कितने लोग होते हैं ना कि मार के भाग जाते हैं, ये है वो है फलान ढिकान, तो इसके लिए गाइस वहाँ का नियम भी बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ का नियम जैसा है वैसा नियम वहाँ का भी है, तो अच्छा नियम है वहाँ का भी, ऐसा नहीं है वहाँ का नियम मैं वहाँ की बुराई कर रहा हूँ। बाकी गाइस देखिए यहाँ पे जो सिटी है, जो सिटी में जा रहा है ना मेरा दोस्त जा रहा है अभी घर पे, आप सोच रहे कि मतलब ये शाम का वीडियो डाल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे छुट्टी हो गई है, तो मेरा दोस्त जा रहा है घर पे, मतलब जहाँ पे रूम लिया है तो वहाँ पे रूम पे जा रहा है वो, तो वहाँ पे नहाएगा धोएगा और बाकी गाइस पहुँचने के बाद बताएगा। और गाइस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो क्रॉस करते हैं रोड, अभी देखना गाइस कितना मतलब आराम से क्रॉस कर जाते हैं रोड, कोई मतलब वहाँ पे आपत्ति नहीं रहता है, बस वाला देखता है। गाइस देखिए यहाँ पे कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे बस वाला रोक देगा गाड़ी, तो ऐसे ऐसे मतलब अच्छा लगता है ऐसे जब कोई गाड़ी रोक देता है। और हमारे इंडिया में गाइस जब तक आदमी को धक्का ना लगे तब तक गाड़ी क्रॉस करती जाती है, मतलब चोट लगने के लिए पूरा आपको डर रहता है कि कहीं हमको चोट ना लग जाए। बाकी गाइस बात कर लेते हैं सिटी की, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, मेरा दोस्त बता रहा था यहाँ पे मतलब घूमने वाली जगह है। आपको गाइस अगर यहाँ दुबई का मॉल वॉल का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मतलब कमेंट में लिख दीजिएगा। मेरा दोस्त एक बार बोल रहा था कि मैं घूमने जाऊंगा तो तेरे लिए वीडियो बना के भेजूंगा, तो बताना कहाँ पे जाऊंगा घूमने वहाँ ऐसा वैसा, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोल दीजिएगा। मेरा एक दोस्त रहता है सऊदी में, एक दोस्त रहता है दुबई में, तो जहाँ का आपको वीडियो चाहिए अगर जहाँ तक हो सका मतलब मेरे से जहाँ तक हो जाएगा मैं वहाँ तक का वीडियो आपको बना के दिखा सकता हूँ। मगर गाइस अभी मैं वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, और हमारा मतलब आप समझ सकते हैं
क्या प्रॉब्लम है। तो बाकी गाइज बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये कंपनी है, ये जो सामने आपके दिख रहा है और सारे लेबर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये जो कंपनी है गाइज धीरे धीरे आने वाला है घर, मतलब जो रूम है वहाँ पे ये लोग जाके फिर मतलब फ्रेश व्रेश होंगे। बाकी गाइज मैं आपको बता दूँ बहुत ही लोग बोल रहे थे वहाँ पे मज़ा आता है। गाइज अपने को भी एक दिन जाना पड़ेगा दुबई सऊदी कहीं पे घूमने के लिए। तो गाइज अभी प्रेजेंट टाइम मैं जा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरा पासपोर्ट बना नहीं है, तो जब पासपोर्ट बन जाएगा तो गाइज मैं आपको कंट्री टू कंट्री का वीडियो दिखाऊँगा। बाकी गाइज आज का ही था मेरा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। Yeah.